और बात अगली खबर के करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक जो है लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग को लेकर मंथन किया जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव इस बैठक में मौजूद रहे, उम्मीदवारों समेत बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी बैठक बुलाई गई थी और छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर यह मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस दौरान मौजूद रहे, उम्मीदवार भी मौजूद थे, तमाम और बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे इस बैठक। नाम की घोषणा आने तक हम सब सजगता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इस दृष्टि से विषयवार बिंदुवार सभी से बात। आकाश लाइव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या जानकारी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आज भाजपा मुख्यालय में बैठक हुई है, किरण सिंह देव इसमें शामिल थे। इसके साथ ही जो संगठन के तमाम लोग थे वो मौजूद थे। जो 4 जून को भाजपा का परिणाम चुनाव का परिणाम आने वाला है उसको लेकर बैठक हुई कि किस तरीके से काउंटिंग प्रक्रिया के दिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सभी जिलों में और लोकसभा स्तर पर है वो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। वहीं भाजपा मुख्यालय में भी एक मॉनिटरिंग सेल होगा, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे कि काउंटिंग के दिन जिसकी जिम्मेदारी वहां पे दी जाएगी वो परिणाम के अंतिम समय तक वहां मौजूद हो, गिनती के अंतिम समय तक मौजूद हो, ताकि किसी तरीके से चूक ना हो। जिला लेवल से मुख्यालय लेवल तक के अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, इसको लेकर चर्चा हुई है। वहीं भाजपा की ये लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक है, ऐसे में जो चुनाव के दौरान जो प्रक्रियाएं हुई उसको लेकर भी समीक्षा हुई है। अभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन के कुछ लोग बैठे हैं, बैठक जारी है। आगे कुछ इसमें और जो निकल के आएगा वो संगठन का दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को उस पर मिलेगा। जी, और क्या रणनीति बनाई गई इस पूरे मामले को लेकर? थी जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि क्योंकि अलग अलग जगह वोटे काउंटिंग होना है, हर जिले में काउंटिंग होना है, ऐसे में सभी जिला स्तर पर जो जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को दी जाएगी बिंदुवार उसके निर्देश जो है वो संगठन को दिए गए हैं ताकि उसका पालन ठीक से कराया जा सके। मॉनिटरिंग बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। संतोष पांडे का भूपेश बघेल पर निशाना देखने को मिला है। काउंटिंग से पहले वार पलटवार का दौर जारी है और राजनांदगांव से 10 जनपद को पालने वाला उम्मीदवार भूपेश बघेल को जनता ने जवाब दिया है। संतोष पांडे कह रहे हैं बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे। संतोष पांडे प्रदेश की 11 की 11 सीट पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। लिए पहुंचे हैं सांसद संतोष पांडे, उनसे चर्चा करेंगे। आपके क्षेत्र पर नजर पूरे देश की टिकी हुई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़े, आप मैदान में थे, क्या लग रहा है परिणाम आने वाले? आपने ठीक कहा, स्वाभाविक है जब पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ का ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे 10 जनपद को पालता था और जिसको ATM कहते थे, और राजनांदगांव से जब जा करके चुनाव लड़े तो नांदगांव की जनता भी उत्साहित थी कि पूरी भरपाई करेंगे। तो स्वाभाविक है कि जनता में और पूरे देश में राजनांदगांव की ओर निगाह होना। 11 सीटों का लक्ष्य जो रखे थे, क्या लग रहा है, क्लीन स्वीप इस बार? 11 में 11 सीट भाजपा जीतेगी, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो मैं ये कहूँगा कि सभी में हम सबल हैं। जीत की तैयारियों को लेकर कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, जीत की तैयारी को लेकर के हम सभी उत्साहित हैं। हमारा काउंटिंग हॉल से लेकर के और बाहर भी सब प्रकार की जश्न की तैयारी है। जी बिल्कुल, ये थे सांसद संतोष पांडे जिन्होंने कहा कि जीत की तैयारियों को लेकर जो तैयारियां चल रही है, इसके साथ ही बैठक को लेकर उन्होंने कहा काउंटिंग की तैयारी पर आज समीक्षा बैठक है, उस पर फोकस किया गया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, News 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और कार्टून पोस्टर जारी किया, भूपेश बघेल को खाई में गिरता हुए दिखाया गया, जिसमें लिखा है अमिट स्याही से होगा अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन का घमंड टूटेगा फिर से एक बार।
इधर मुंगेली में लू लगने से एक शख्स की मौत हो गई। खेत में बुजुर्ग की लाश पाई गई है। मवेशी चराने के लिए बुजुर्ग निकला था और लू लगने से उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल उसके शव को ले जाया गया। पोस्टमार्टम हुआ। भीषण गर्मी से लोग खासे परेशान हैं और ऐसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मौसम जो है बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, विपरीत बना हुआ है और ऐसे में लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या जो लोग। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं मुंगेली से। प्रशांत, क्या जानकारी इस घटना को लेकर? जी मैं बता दूं कि एक बुजुर्ग है जो भगत सप्रे जिसका नाम है, वो मवेशी चराने के लिए खेत गया हुआ था और घर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश में निकले तो खेत में उस बुजुर्ग की लाश मिली है और आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत जो है लू लगने से हुई होगी, क्योंकि जिस तरह का भीषण गर्मी मुंगेली जिले में पड़ रहा है और प्रदेश के सबसे गर्म जिले में मुंगेली जिला देखने के लिए मिल रहा है। लगातार अधिकारी भी अपील कर रहे हैं कि जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है, लू का कहर है और तेज धूप में लोग बाहर ना निकले, लेकिन जिस तरह घटना सामने आ रही है और ये आशंका जताई जा रही है दूसरी मौत है, क्योंकि एक मौत एक महिला की मौत की भी आशंका में जताई गई है। तो जिले में लगातार जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है और अब स्थिति यह है कि दो लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर के मंत्री IIM में मैनेजमेंट के गुण सीख रहे हैं। आज से 1 जून तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसे शायद सरकार और IIM मिलकर आयोजित करवा रही है, जिसे चिंतन शिविर नाम दिया गया। मंत्रियों की क्लास शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान देश के चर्चित विषय विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन से लेकर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार मीडिया प्रबंधन के गुण सिखाएंगे। यहाँ पर IIM रायपुर के अलावा कई अन्य शहरों से भी एक्सपर्ट्स आएंगे। चिंतन शिविर में आने वाले 10 साल के लिए रोड मैप तैयार करने पर चर्चा होगी। पांच महीने में बीजेपी के सुशासन की पोल खुल चुकी है। बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, ये कितनी भी ट्रेनिंग ले लें काम तो कमीशन खोरी का ही करेंगे। आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा का जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था 5 महीने में दिख रहा है, और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुर्ग में आपस में दो पड़ोसी भिड़ गए, दोनों के बीच मारपीट हुई है, जमकर मारपीट हुई है। एक पड़ोसी ने रॉड से हमला कर दिया, सिर में गंभीर चोट आई है। नाली को लेकर विवाद हुआ था, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर दुर्ग से, आपस में दो पड़ोसी भिड़ गए, दोनों के बीच मारपीट हुई है, विवाद हुआ है, खूना खच्चर हो गया एक व्यक्ति, तो इसमें सिर पर रॉड से हमला किया गया। सुपेला थाना क्षेत्र का ये मामला। भिलाई से खबर है, जहां पर भूमाफिया के खिलाफ निगम की टीम ने शिकंजा कसा है। अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर निगम की टीम पहुंच गई थी और निगम की टीम को देखकर भूमाफिया के लोग गुर्गे जो हैं वो भाग निकले। सरकारी जमीन पर यहां पर अवैध रूप से प्लॉट काटने की भूमाफिया की तरफ से तैयारी थी और ये कार्रवाई अब उनके लिए उन पर नकेल कसने जैसी।